हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो सीपीसी में हम लोगों ने क्या कर लिया था। हम लोगों ने ऑर्डर 9 किया था, अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी। समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। आ जाए तो बेहिचक होके बोला करिए कि विशाल भाई समझ में नहीं आया। ठीक है, जरा रिकॉल करके बता दो सब क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हो। ठीक है, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा, सब भूल जाओगे। ऑर्डर वन में क्या था, ऑर्डर वन में क्या था, जल्दी आंखें बंद करके रिवाइज करो। ऑर्डर वन में था पार्टीज टू द सूट, सॉरी पार्टीज टू द सूट। हाँ, ऑर्डर वन में पार्टीज टू द सूट, ऑर्डर टू में फ्रेम ऑफ सूट, ऑर्डर थ्री में वही एडवोकेट्स एंड वो कौन है ऑथराइज एजेंट। ठीक है, ऑर्डर फोर में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ठीक, ऑर्डर फाइव में क्या था, समन। ऑर्डर सिक्स में प्लीडिंग जनरली, ऑर्डर सेवन में प्लेंट, ऑर्डर आठ में रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ काउंटर क्लेम, आखिरी ऑर्डर नाइन हम लोग ने पढ़ा। क्या था ऑर्डर नाइन में, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, अब हम लोग को फिर से सेक्शंस पे वापस आना पड़ेगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, ऑर्डर टेन भी कर सकते थे। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, लेकिन वो अभी अब वो केस के अंदर वाली बातें हैं, है इतनी इंपॉर्टेंट भी अभी नहीं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है लेकिन कम आता है। ठीक, अब हम लोग सेक्शंस पे ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं भैया स्टेप बाय स्टेप ही चलना है हमें, है कि नहीं। हम तो अपनी सहूलियत के हिसाब से चलेंगे, है कि नहीं, कि पहले ऐसी चीज़ें कवर हो जाएं। ऐसा तो है नहीं कि हम एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी ऑर्डर टेन नहीं पढ़ेंगे तो हमें सेक्शन वाला समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है, और ज़रूरी भी नहीं स्टेप बाय स्टेप चलें, है कि नहीं। स्टेप क्या है, जो हम आपको लेके जाएं वो स्टेप है कि नहीं। जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे आप पढ़िए। चलो तो सेक्शंस में हम लोग का कहाँ तक हो गया था। आखिरी सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था थर्टी टू है। जल्दी से बता दो सारे सेक्शन, 2 मिनट लगेगा, तुरंत रिवाइज कर लो। सेक्शन वन में क्या है, सेक्शन वन में तो अरे यार अभी हेडफोन लगने लगा। सेक्शन वन में क्या है, सेक्शन वन में था वही नाम एक्सटेंट। ठीक है, और टू में था डेफिनेशन। सारी डेफिनेशन जल्दी बता दो। सारी डेफिनेशन में सबसे पहले क्या था, कोड। टू का वन, टू का टू क्या था, डिक्री। टू का थ्री क्या था, डिक्री होल्डर। फोर क्या था, डिस्टिक। टू के फाइव में क्या था, फॉरेन कोर्ट। सिक्स में क्या था, फॉरेन जजमेंट। सेवन में क्या था, सात में क्या था, इंडिया। हाँ, आठ में क्या था, जज। नौ में क्या था, जजमेंट। दस में क्या था, दस में जजमेंट डेप्टर। ग्यारह में क्या था, ग्यारह में एलआर। बारह में क्या था, बारह में आपका था, अरे अब बारह में क्या था, बारह में था मूवेबल प्रॉपर्टी, मैसने प्रॉफिट। 13 में था मूवेबल प्रॉपर्टी। 14 में क्या था, ऑर्डर। 15 में क्या था, प्रिस्क्राइब्ड। 15 में गवर्नमेंट वो प्लीडर। 7 में, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 में क्या था, गवर्नमेंट प्लीडर। 15 में प्लीडर, 7 में क्या बोल गया था। ठीक है, ठीक कर लेना, ऐसी गलती मत करना। मैं इतना मुझे तो याद नहीं, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 15 का 16 में क्या था, प्रिस्क्राइब्ड। 17 में क्या था, 17 में गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। अरे यार बताओ मार्टा साहब, आप ही को याद नहीं है तो हमें क्या याद होंगे। अरे भाई आपको याद करने हैं, हमें थोड़े याद करने। खैर याद तुम्हें भी करने हैं। 17 में पब्लिक ऑफिसर आए तो यार क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत हुआ बताना, मैंने कहाँ कहाँ गलती की। ठीक है, 18 में क्या था, प्रिस्क्राइब्ड नहीं, 18 में रूल्स, 19 में शेयर इन ए कॉरपोरेशन, और 20 में साइन। ठीक है, 3 में क्या था, सेक्शन 3 में सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। 4 में क्या था, सेविंग। 5 में क्या था, रेवेन्यू कोर्ट। 6 में क्या था, पेकुनरी जुडिक्शन। 7 में क्या था, वो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉस कोर्ट। और दो थी ना, 7 और 8। ठीक है, वो मालूम है। और 9 में क्या था, सब्जेक्ट मैटर मतलब सूट्स ऑफ सिविल नेचर। 10 में क्या था, रेस सब्जुडाइज। 11 में क्या था, रेस जुडिकेटा। 12 में क्या था, बार टू
बार टू फर्दर सूट, 13 में क्या था, 13 और 14 में फॉरिंग जजमेंट था, है 13 व्हेन फॉरिंग जजमेंट इज कंक्लूसिव, 14 14 वी भी यूसीस था, है एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरिंग, ऐसा कुछ था ना 14। 15 में क्या था कि लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में केस फाइल करना, 15 से प्लेस ऑफ सुइंग चालू हो जाता था, समझे कि नहीं, तो वो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में केस फाइल करना 15 में है। 16 में मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कैसे होगा, 17 में अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी डिफरेंट कोर्ट में है, डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन में आ रही है तो कौन सी कोर्ट में करना होगा, 18 में अगर अनसर्टेन है, 19 में क्या था, 19 में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके केस है या टॉर्टियस लाइबिलिटी को लेके, ठीक है, और 20 रेसिडरी था, 21 ऑब्जेक्शन था, उसके बाद में 22 में ट्रांसफ़र ऑफ सूट, 22 23 24 25 ट्रांसफ़र की बात करता है, ठीक है, 22 में कि कौन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेगा, 23 में कौन सी कोर्ट में अप्लाई करेगा, 24 में जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विदड्रॉल किसके पास थी, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, 25 में पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र एंड विदड्रॉल सूट्स, उसमें क्या था 25 में कि अगर आप सही से मतलब कोई वैक्सीसियस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट में तो 2000 का फाइन भी था, 26 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट था, 27 से हमारा समन चालू हो जाता था, ठीक है, 27 में समन टू डिफेंडेंट, 28 में समन टू डिफेंडेंट इन अनदर स्टेट, और 27 28 29 में क्या था, 29 में भी यही था, फॉरिंग समन था शायद, हाँ फॉरिंग समन, ठीक है, 30 में क्या था, 30 31 32, 32 में तो वो था, 30 में ये था कि समन को लेके जो है, नहीं 31 में था कि जो समन को लेके डिफेंडेंट को जो रूल्स हैं वही जो है विटनेसेस के लिए अप्लाई होंगे, 30 के लिए ये था कि कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है कि कोई प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट थिंग इन सब चीज़ों के लिए, ठीक, 32 में ये था कि अगर वो 30 का ऑर्डर नहीं मानोगे तो कोर्ट क्या करेगी, तो उसमें चार चीज़ें थी, सबसे इम्पोर्टेंट 32 में याद रखना कि 5000 का फाइन इम्पोज कर सकती है, ठीक है, 5000 की पेनल्टी लगा सकती है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट भी कर सकती है, और क्या कर सकती थी, सिविल प्रिजन में डाल सकती थी, ठीक, उसके बाद में क्या था, और कुछ पढ़ लिया था, नहीं वहीं पर छोड़ा था हम लोगों ने, शाबाश, तुम्हें यार सब याद है यार दोस्त यार, हैं चलो आगे क्या है, जजमेंट एंड डिक्री 33, अच्छा तो ये बताओ जजमेंट कहाँ कहाँ दिया हुआ है, जजमेंट आपका एक तो वहाँ पर दिया हुआ था 2K9 में, 1A33 में और ऑर्डर 20 में भी दिया हुआ है जजमेंट, जजमेंट क्या अभी पढ़ के करेंगे, जजमेंट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब ऑर्डर 20 पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं जजमेंट नहीं पढ़ोगे तो कुछ छूट जाएगा, जजमेंट जो है कहाँ कहाँ दिया हुआ है बस ये ध्यान रखना, 2K9 में दिया हुआ था, यहाँ पर सेक्शन 33 में दिया हुआ है, वहाँ पर ऑर्डर 20 में दिया हुआ है, ठीक है, और अभी हम लोग जब ऑर्डर 20 पढ़ेंगे तब जजमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक, अभी छोड़ो इसे, अब क्या है ये बताता है, 34 35 35 ए और 35 बी, 35 सी भी है नहीं, ठीक है, तीन चीज़ें हम लोग अभी ये देखते हैं, तीन क्या जितने देख पाएंगे उतने देख लेंगे, ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है भैया, इंटरेस्ट तो ब्याज है कि भाई, तो इंटरेस्ट होती है, अब क्या होता है इसमें अगर कोई दो लोग हैं इन दोनों के खिलाफ, इन दोनों के लेके केस चल रहा है, ठीक है, किसको लेके, मनी को लेके, पैसे को लेके केस चल रहा है, भैया इनने जो है ए ने वो बी ने ए से पैसा लिया था, कितना, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज़ लिया था, कितने इंटरेस्ट पे, मान लो 12% पर एन एम, है कि नहीं, 12% 12% पर एन एम पे लिया था, ठीक, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब बी दे नहीं रहा तो ए ने केस किया, ठीक है, जब जब लिया, मान लो कब लिया था कि 2015 में, जनवरी 2015 में लिया था, ठीक है, ये कुछ टाइम तक पैसे दिया, मान लो कि 2015 में लिया था, ठीक, जनवरी 2015 में लिया था, 2016 तक तो इनने ब्याज दी, उसके बाद नहीं दी, 2016 से इन्होंने ब्याज नहीं दी, तो 2016 मान लो, ठीक है, जनवरी 2016 से ब्याज नहीं दी, तो उसने क्या किया, फिर जाके उसने 2020 में केस फाइल किया, है कि नहीं, जनवरी 2016 से वो पैसे ब्याज नहीं दे रहे, 2020 में केस फाइल किया, और जिस दिन से केस फाइल किया और 2021 में उसका जजमेंट आया,
ठीक, 2000 के जजमेंट आया, जजमेंट आने के बाद भी एक एग्जीक्यूशन भी तो होता है, एग्जीक्यूट भी तो करवाना पड़ेगा। ये वाला टाइम पीरियड कौन सा है जब तक उसने कोशिश की? 16 का 17 ही कर लो यार, ये इसे रखो 19, ज़्यादा लंबा मत दौड़ाओ। अब आप कहोगे यार 16 का है, मनी से रिलेटेड था, 3 साल का टाइम पीरियड था, 20 में केस फाइल कर रहे हो विशाल भाई, क्या कर रहे हो आप ये, समझे कि नहीं? तो आपका लिमिटेशन पीरियड से बार्ड हो गया, इसीलिए इतना ही रखो। 2019 में से पैसा के ब्याज नहीं दे रहा था तो क्या करते? तो केस ही करना पड़ता। 2020 में केस कर दिया, ठीक, अब 1 साल लग गया, ये क्या हो गया? ये वाला टाइम पीरियड कौन सा हुआ जितने बीच हमने इंतज़ार किया? ये वाला जो प्रोसीडिंग चली, ट्रायल चला, वो वाला टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। पेंडेंट लाइट, ठीक। अब ये वाला पीरियड हो गया एग्जीक्यूशन का, जजमेंट आया इस दिन, डिग्री पास होगी 2021 में, लेकिन एग्जीक्यूट भी तो करवाई जाएगी, एग्जीक्यूशन में तो टाइम लगेगा। अब मान लो कि 2022 तक एग्जीक्यूशन हो पाया, समझे कि नहीं? ठीक, ये टाइम पीरियड होता है तो यही बताता है कि कब की किसकी क्या ब्याज चलेगी। ठीक, अब क्या है, सबसे पहले ये वाला जो टाइम पीरियड है, जब तक जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन इशू हुआ, कब से हुआ चालू? जब से उसने ब्याज का पैसा नहीं दिया, ठीक। कब तक रहा? कब तक? जब तक हमने केस फाइल नहीं किया, ठीक है। तो ये वाली जो है, इस ये वाले टाइम पीरियड की ब्याज कितनी रहेगी? जैसे एग्रीड बाय द पार्टीज, जैसे पार्टी ने एग्रीड होंगे, ठीक है, एग्रीड बाय दी पार्टीज, कितने परसेंट पे एग्री हम लोग? 12% पे, है कि नहीं? या अगर अनरीजनेबल है, मान लो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, जितनी नॉर्मली लोग नहीं होती है, तो उसमें क्या है, जो मर्कंटाइल रूल्स हैं, जैसे होता था और लोग करते, मर्कंटाइल रूल्स हैं उसके हिसाब से होगा, कुछ भी नहीं है तो 6% के हिसाब से होगा, ठीक, 6 6%, क्योंकि बैंक जो है वो 6% पे ब्याज पे पैसा, मतलब 6% ब्याज देती है बैंक, अगर आप बैंक को पैसा दो 6% आपको ब्याज देते हैं, लेकिन बैंक से उठाओ तो फिर वो 10% 12% पे देते हैं। गोल्ड लोन लोन होता है क्या है, 12% पर एनएम पे ही उठता है, 12 से 14%, समझे कि नहीं? मुथूट फाइनेंस है, LIC है, जे सब, आप गोल्ड लोन लेने जाओ, पहले अपना गोल्ड रखो फिर उनसे पैसा लो, कितना इंटरेस्ट वो पैसे पे, एक तो चीज़ भी रखेंगे आपकी और ऊपर से 12% ब्याज भी लेंगे, समझे? तो ये क्या है कि या तो एग्रीड बाय द पार्टीज, ये वाला टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, जब से उसने केस फाइल नहीं किया और जब तक ट्रायल चल रहा है उसमें 6% रहेगा, ठीक, या जैसा कोर्ट को सही लगेगा वैसा, जरूरी नहीं कि 6% दे, बताओ कोर्ट ना दे, ठीक। तीसरा ये वाला एग्जीक्यूशन वाला, एग्जीक्यूशन में जितना टाइम लगेगा उसका भी 6% देगा, या एज एग्रीड बाय द कोर्ट, जैसे पार्टी को अच्छा लगेगा, मतलब उसको कोर्ट को अच्छा लगेगा, समझे नहीं? एज द कोर्ट थिंक फिट। तो जनरली क्या है, कोर्ट जो है 6% का ब्याज देती है। कब तक ब्याज रहेगी? जब से, एक तो ये वाला टाइम पीरियड जब तक उसने केस फाइल नहीं किया, जिस दिन से केस फाइल, जब तक ट्रायल चला, वो वाला एक टाइम पीरियड होता है। तीसरा टाइम पीरियड होता है डिग्री आने के बाद से जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। अब मान लो 8 डिग्री पास हुई मेरे अगेंस्ट में कि भाई इसको 1 लाख रुपए ब्याज के साथ दो, मेरे पास होगा तब तो हम देंगे, मेरे पास है ही नहीं। अब जब तक मैं दे नहीं देता तब ब्याज बढ़ती रहेगी मेरी, ऐसा थोड़े कि ब्याज नहीं चलेगी, लेकिन ये कोड डिग्री में लिखेगा, ठीक है। अगर डिग्री में कोड नहीं लिखता है तो ब्याज नहीं मिलेगी, समझे कि नहीं? कि अगर कोड डिग्री में लिखता है और वो घर कि भाई जब तक डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक इतने परसेंट पे ब्याज चलती रहेगी, ठीक है, बस यही बताता है। ये क्या इंटरेस्ट, सेक्शन 34 पढ़ लेना, समझे नहीं? ऑब्जेक्ट प्री में केवल 6% वाली बात पूछी जाती है, इतने परसेंट इंटरेस्ट पे, इतने परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है उसे, तो 6% लिख देना उसमें, क्या है? और कुछ नहीं, प्री रीडिंग मेन सेशन में कुछ नहीं आता। 35 बताता है कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है? तो इसमें अगला सेक्शन क्या है, कॉस्ट, कहाँ, सेक्शन 35, ठीक है। तो क्या बोलता है सेक्शन 35, सेक्शन कॉस्ट बोलता है कि कॉस्ट सेल, एक लाइन है, कॉस्ट सेल फॉलो द इवेंट, क्या मतलब है इसका, क्या
क्या मतलब है इसका कि कॉज शैल फॉलो द इवेंट? इसका मतलब ये है कि जो पार्टी जीतेगी, ठीक है, जो पार्टी जीतेगी उसको कॉस्ट मिलेगी, जो भी जीतेगी, ठीक है, और जो हारेगी उससे कॉस्ट ली जाएगी। इसी को बोलते हैं जनरल रूल, यही है कि कॉस्ट शैल फॉलो द इवेंट। कॉस्ट क्या होती है? जो भी कोई इसने कोर्ट फीस भरी है, जो एक्सपेंडिचर आया है प्रोसीडिंग में, जो एक्सपेंडिचर आया है वो उससे लिया जाता है। किससे? जो जो पार्टी हारती है और जो जीतती है उसको दिया जाता है, ठीक। कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो सब बताती है कि कौन पार्टी देगी, ठीक, कितना देगी, कहाँ से देगी, किस किस प्रॉपर्टी में से लिया जाएगा ये कॉस्ट, ठीक है, ये सब बताती है। जनरल रूल क्या होता है, बस यही आप समझिए, कॉस्ट शैल फॉलो द इवेंट। लेकिन इन एक्सेप्शनल सिचुएशन, ठीक है, अगर कॉस्ट फॉलो द इवेंट नहीं कर रहा है, मान लो कि जीता तो ये पार्टी है, जो जनरल रूल है कि जो पार्टी जीतती है उसी को ही कॉस्ट मिलती है, जो हारती है उससे कॉस्ट ली जाती है। अगर ऐसा कोर्ट नहीं कर रही है तो उसमें रीज़न लिखेगी कि क्यों कॉस्ट सेल्फ फॉलो द इवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट फिर बताएगी कि ऐसे है कि जीतने वाली पार्टी को ही कॉस्ट देनी पड़ रही है। क्यों? डिफेंडेंट का अननेसेसरी क्लेम उसमें बढ़ाए गए, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ाई गई, समझे कि नहीं, जबरदस्ती आप कोर्ट फीस ज़्यादा दिखा रहे हो। क्यों? आपको पता है कि उससे कॉस्ट आपको फिर मिलेगी, है कि नहीं? तो ऐसे काम कर रहे हो तो कोर्ट जो है, ऐसा नहीं कि कोर्ट बाउंड है कि कॉस्ट शैल फॉलो द इवेंट, नहीं, ये तो जनरल रूल यही है। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो रीज़न दे के कह सकती है कि ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं। पढ़ो, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बींग इन्फोर्स, द कॉस्ट ऑफ एंड इंसिडेंट टू ऑल सूट्स शैल बी इन डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट एंड द कोर्ट शैल हैव फुल पावर टू डिटरमाइन बाई होम और आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी एंड टू व्हाट एक्सटेंट सच कॉस्ट आर टू बी पेड एंड टू गिव ऑल नेसेसरी डायरेक्शन फॉर द पर्पस एफोसेड द फैक्ट दैट द कोर्ट हैज नो ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई द सूट। हाँ, ये इस पर लाइन कर लेना। द फैक्ट दैट द कोर्ट हैज नो ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई द सूट शैल बी नो बार टू द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर, ठीक है। अब मान लो कि किसी ने अननेसेसरी केस कर दिया है और उस कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन भी नहीं थी, तब भी जो है कोर्ट कॉस्ट ठोक देगी उसके ऊपर। ज्यूरिडिक्शन होना कोई प्रायर कंडीशन नहीं है कोर्ट के लिए कॉस्ट इम्पोज करने के लिए, ठीक है। चलो, वेयर द कोर्ट डायरेक्ट दैट एनी कोर्ट एनी कॉस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट, द कोर्ट शैल स्टेट इट्स रीजन इन राइटिंग। अगर कोर्ट ये कह रहा है, अगर कोर्ट उसमें लिख रहा है कि कोर्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट, जैसे जो जीत रही है उसको ना मिलके अपोजिट पार्टी को कॉस्ट मिल रही है, जो हार रही है फिर भी उसे कॉस्ट मिल रही है, तो कोर्ट रीजन बताएगा, ठीक है। कि अगर कोई सक्सेसफुल पार्टी, आप जीत तो रहे हो लेकिन आप गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो, समझे कि नहीं, आपने अननेसेसरी जो है वो कॉस्ट को इंक्रीज करके बताया है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपने की है, तो आपको नहीं मिलेगा। या मिस जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट हो गया है कि अननेसेसरी उसको जोड़ दिया गया, तो उसको तो दिया जाएगा। मान लो दो तीन डिफेंडेंट हैं, एक को फालतू में जोड़ दिया गया, अब वो हार रहे हैं, बाकी सब हार रहे हैं, उसे क्यों जोड़ दिया गया भाई, उसका खर्चा क्यों करवाया गया फालतू में। तो यही है और कुछ नहीं है इसमें, समझ आई कि नहीं बात आई। जो पार्टी हारती है उसके ऊपर कॉस्ट थोपी जाती है, समझे कि नहीं, वो जो जीतती है उसको कॉस्ट मिलती है, इतनी सी बात है। चलो, 35 से कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंड वैक्सीशियस क्लेम और डिफेंसेस। क्या है कि अगर 35 ए क्या बोलता है, 35 ये बोलता है कि अगर कोई फॉल्स या वैक्सीशियस क्लेम कर रहा है तो कंपनसेटरी कॉस्ट उसमें ऐड की जाएगी। ये तो कॉस्ट जो है वो तो लगेगी लगेगी, उसके साथ साथ कंपनसेटरी कॉस्ट भी। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस ये याद रखना है कि 35 ए में जो कंपनसेटरी कॉस्ट है उसको मैक्सिमम 3,000 रुपये दिया हुआ है। कितना? मैक्सिमम 3,000 रुपये। सेक्शन 35 ए क्या है? कंपनसेटरी कॉस्ट। प्री का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा ये कंपनसेटरी। TORY कंपनसेटरी कॉस्ट कितना है? मैक्सिमम 3,000 रुपये, ठीक है, या पेकुनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट जो कम होगा, पेकुनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, इनमें से जो चीज़ कम होगी ना वही, ठीक। अगर कोर्ट की पेकुनरी ज्यूरिडिक्शन 2,000 है तो मैक्सिमम 2,000 ठोक सकता,
ठीक है, अगर पैकोनिक ज्यूरिसडिक्शन 10,000 है तो वो 3,000 ठोक सकता है, ठीक है। इन दोनों में से जो कम होगा वही कंपनसेटरी कॉस्ट लग सकती है। कब लगती है? अगर कोई वैक्सीसीएस क्लेम कर रहा है, वैक्सीसीएस डिफेंसेस ले रहा है, ठीक है, फॉल्स डिफेंस ले रहा है, ऐसी केसेस में लगती है। 35 बी क्या बोलता है? अगर कोई अननेसेसरी डिले, क्या है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, अगर जो रीजनेबल ग्राउंड है, ठीक है, अब मान लो किसी दिन डेट लगी, आप अर्जमेंट ले रहे हैं, ठीक है, कि यार वकील साहब आ ही नहीं पा रहे, वकील साहब जो हैं पूजा पाठ में लगे हुए हैं, या वकील साहब जो हैं कहीं गए हुए, अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो कोर्ट अर्जेंट तो करनी पड़ेगी। मान लो अब वो नहीं मान रहे तो ठीक है, अगली डेट दे देंगे, लेकिन कॉस्ट ठोक देंगे आपके ऊपर, समझे कि नहीं? क्यों भाई, अगला बंदा दूसरी पार्टी फालतू में ऐसे ही आई क्या, उसे तुम परेशान कर रहे हो, हैं? उसका आने जाने खर्चा, ये सब ड्रामा पता नहीं कहाँ से आ रहा हो। तो कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, अगर आप अपने पार्ट पे डिले कर रहे हैं, ठीक है, जो काम करना था आपसे, डब्ल्यू एस फाइल करने का था, डब्ल्यू एस फाइल नहीं कर रहे, या कोई एविडेंस सबमिट करने का था वो नहीं कर रहे, या किसी का विटनेस का एग्जामिनेशन होना था वो नहीं कर रहे, ठीक है, अगर किसी भी तरीके से आप प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट को डिले कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो कॉस्ट करने की पावर है 35 बी में कोर्ट के पास दी हुई है, और उसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं है, समझो कि नहीं? 50-50 हज़ार रुपया ठोक दे, चलो समझ आ रही बात कि नहीं? पढ़ लेना, कुछ नहीं है उसमें पढ़ने को। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। अभी तक पार्ट वन चल रहा था, ठीक है, ये भी प्री में पूछा जाता है कि पार्ट वन कहाँ से कहाँ तक है, 9 से लेके 35 बी तक है। पार्ट वन पूछा जाता है प्री में, बहुत पूछा जाता है क्या, कि सीपीसी में पार्ट वन कहाँ से कहाँ तक है, दिखाते हैं 1 से लेके 9 तक, या 1 से लेके 8 तक, ठीक है, क्या पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि पार्ट वन कहाँ पे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन 1 से 8 तक, दूसरा 9 से 35 बी तक, तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और, आप मार के आ जाएंगे 1 से 8 तक, जबकि ये नहीं है। आंसर क्या है इसका सही? 9 से 35 बी तक, देखिए सही से, ठीक है। अब पार्ट सेकंड स्टार्ट हो रहा है हमारा, पार्ट सेकंड भी बहुत बड़ा है, एग्जीक्यूशन, समझे कि नहीं? सारी चीज़ें एक तरफ, एग्जीक्यूशन एक तरफ, सिर्फ केस जीत जाना ही नहीं, सिविल प्रोसीजर में सिर्फ केस जीत जीत जाना ही सफिशियंट नहीं है, दूसरा युद्ध वहाँ पे चालू होता है जब उसको एग्जीक्यूशन करवाना होता है, समझे कि नहीं? केस चल रहा है, केस जीत गए, बहुत बढ़िया, बहुत से लोग ऐसे प्रॉपर्टी के केसेस हैं कब के जीते हुए हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, तभी तो इतना ज़्यादा लेट हो जाता है, समझे नहीं? एग्जीक्यूशन भी अपने आप में, और तो उसको देखने से भी लगता है कि एग्जीक्यूशन क्यों इतना बड़ा है, समझे नहीं? एग्जीक्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कि सारा ट्रायल सब कुछ, सारा प्रोसीजर एक तरफ, एग्जीक्यूशन एक तरफ, ठीक, एग्जीक्यूशन कहाँ कहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले तो सेक्शंस में देखा जाए तो यहाँ से 36 से लेके 74 तक है शायद, देख लेंगे अभी, ठीक है, 36 से 74 तक, रीड विद ऑर्डर 21, रूल 1 से लेके 106 तक, इसी से ही समझ जाओ क्यों ऑर्डर 21 इतना बड़ा है। ऑर्डर 21 भी एग्जीक्यूशन की बात करता है, ठीक, क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत सारी बातें आती हैं भाई, हैं, कि कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, अगर कोई मनी से रिलेटेड है तो कैसे उसके पैसा दिलवाएं, अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो कैसे उसका पोजीशन दिलवाएं, समझे कि नहीं? अगर कोई चीज़ अटैचमेंट करनी है तो क्या अटैचमेंट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आदमी कह रहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से पैसा भरें, समझे कि नहीं? अब भाई कोई केस जीत गया कि 5 लाख रुपये कंपनसेशन दो, वो तो हाथ दिखाई दे रहा है मेरे पास, हो जाए कैसे एग्जीक्यूशन होगा? प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी बेच के कराओ, समझे कि नहीं? नहीं प्रॉपर्टी है, अगर नौकरी करता है तो उसकी सैलरी में से कराओ, समझे कि नहीं? कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या क्या अटैच हो सकती है, कैसे उसका एग्जीक्यूशन करवाया जाए? भाई कोर्ट ने तो डिग्री पास कर दी, डिग्री या ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है भाई साहब, वो कोर्ट से जजमेंट ले आया, डिग्री या ऑर्डर पास कर दिया, अब जो है अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? एग्जीक्यूशन भी अपने आप में एक बड़ी टेढ़ी खीर है, समझे कि नहीं? एग्जीक्यूशन कराना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है, तो उसी के लिए पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे एग्जीक्यूशन करवाओगे, है?
है? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आई बात कि नहीं? बेसिक मालूम पड़ा, सब समझ जाओगे। अब सिर्फ ये तो बेस तैयार हो रहा है आपका, आप समझ रहे हो कि एक बार कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से हो जाता है? ये बातें आपको बाद में समझ में आएंगी जब आप पढ़ लेंगे एक दो बार। किसी एक बार पढ़ने से तो कुछ नहीं होता किसी भी, सिर्फ अभी तो बेस तैयार हो रहा है, मतलब दीवारें खड़ी हो रही हैं अभी आपकी, आपको खुद ही दीवार खड़ी कराने में हम मदद कर रहे हैं, बाकी प्लास्टर करना, पुट्टी करना, पेंट करना वो सारा काम आपका, बस ये है कि हम दीवार खड़ी करा देंगे तुम्हारी, बाकी सब तुम्हें खुद करना है। चलो सेक्शन 36, 36 क्या बोलता है कि ये बोलता है कि एग्जीक्यूशन जो प्रोसीजर है, जितने भी रूल्स एंड प्रोविजंस हैं सब जो हैं दोनों ही एग्जीक्यूशन में अप्लाई होंगे, चाहे एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री हो लिखा, चाहे कुछ भी हो वहाँ पे सेक्शंस में, लेकिन दोनों में इक्वली अप्लाई होंगे, चाहे डिग्री के एग्जीक्यूशन की बात करें हम, चाहे ऑर्डर की बात करें। ठीक, समझ आए कि नहीं बात? दूसरी बात ये आती है कि एग्जीक्यूशन करवाएगा कौन, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कराती है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या कोई अलग होती है? अरे नहीं भाई, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो सेक्शन 36 38 ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन सी होगी। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उससे कहेंगे, किसको कहेंगे? या तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस नहीं, कोर्ट विच पास द डिग्री, या तो जिसने डिग्री पास की है वही कोर्ट है, कोर्ट विच पास द डिग्री, जिसने कोर्ट जिसने डिग्री पास की है। डिग्री का मतलब ऊपर वो दिया है कि नहीं, 36 में क्या दिया हुआ है कि कुछ भी लिखा हो, हर जगह डिग्री लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो, सारे प्रोविजंस इसके दोनों पे इक्वली अप्लाई होंगे, चाहे एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की बात करें चाहे ऑर्डर की बात करें। ठीक है, तो जहां जहां मैं डिग्री लिख रहा हूँ वहां पे ऑर्डर अपने आप मान के चलिए, क्योंकि सेक्शन 36 बोल रहा है। कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट कराएगी डिग्री को, एग्जीक्यूट कराएगी तो कोर्ट बाई विच डिग्री, कोर्ट विच पास द डिग्री, दूसरा कोर्ट टू विच डिग्री इज ट्रांसफर्ड, जिसको भेजी गई है, जिसको भेजी गई है ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब मान लो एक रूल होता है कि अगर मान लो कि एक आदमी था, एक कोर्ट थी ये, यहाँ पर एक आदमी रहता था, नहीं इस कोर्ट में केस चल रहा था। ठीक, अब जिसके खिलाफ जो केस हुआ है वो दूसरे के डिस्ट्रिक्ट में रहता है, दूसरी जुरिडिक्शन में रहता है। ठीक, जिस तो कोर्ट ने क्या कहा कि इसका जो मकान है उसको बेच के एग्जीक्यूट, उसको जो बेच के इसका पैसा दिया जाए दूसरा आदमी जो केस जीता है उसे, तो अब ये मकान तो दूसरे कोर्ट में जुरिडिक्शन में है, तो ये कोर्ट थोड़ा एग्जीक्यूट करा लेगी, तो ये कोर्ट डिग्री को जिस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है उसको भेज देगी। ठीक है, फिर जो दूसरी कोर्ट जिसको ट्रांसफर हुआ है वो एग्जीक्यूट करा देगी, समझे नहीं? क्योंकि जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर किसी कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है तो ना ही वो ट्रायल कर सकती है और ना ही उसको एग्जीक्यूट करा सकती है। ठीक है, अब क्या है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन तो इसके पास आ गया, उसको लेके कॉज ऑफ एक्शन को लेके मान लो कि मनी को लेके केस था, कि भैया इन दोनों के बीच में मनी को लेके केस था, तो उसके पास टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन आ गया क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन इनके कोर्ट में आया था, मतलब इनके ज्यूरिडिक्शन में आया था। अभी लेकिन एग्जीक्यूट ही वो, अब इन्होंने डिग्री पास कर दी, अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इसकी तो प्रॉपर्टी कोई यहाँ पर है नहीं जिसको बेच के हम दे दें, तो जहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हो उस कोर्ट को ट्रांसफर कर देंगे कि आपके एरिया में, आपके ज्यूरिडिक्शन में इसकी प्रॉपर्टी है, उसको बेच के जो है एग्जीक्यूशन करवा दिया जाए। अभी पढ़ेंगे, अभी सब आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, सेक्शन 37 क्या बोलता है कि सेक्शन 37 बोलता है कि कोर्ट विच पास द डिग्री कौन होगा। ठीक है, कोर्ट विच पास द डिग्री कौन सी होगा, कोर्ट विच पास द डिग्री कौन सी होगी, इसमें यह है, हाँ या तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस तो है ही, जिसने ट्रायल किया है वो तो है, समझे कि नहीं? कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, जिसने ट्रायल किया है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस यही तो होगी, इसने ट्रायल किया है ये तो है ही, इसके अलावा और कौन हो सकती है? मान लो कि अपील हुई थी इसके बाद, इसके हायर कोर्ट में अपील हो गई, इससे जो सुपीरियर कोर्ट थी उसके पास अपील हो गई, सुपीरियर कोर्ट के पास अपील हो गई, तो अपलेट कोर्ट ने कोई ज्यूरिडिक्शन अगर मतलब अपलेट कोर्ट ने कोई डिग्री पास की है,
अपलेट कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, मान लो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ या कैसे भी, तो भी यही माना जाएगा कि यही है, ठीक है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। क्या हम लोग बात कर रहे हैं, 37 ये बताता है कोर्ट विच पास द डिग्री कौन सी मानी जाएगी। एक तो जिसने पास की है वो तो है, उसके अलावा दो बातें और बोली कि अगर अपलेट कोर्ट पास करती है तो भी यही माना जाएगा जहां से अपील गई है उसी ने पास की है, ठीक। दूसरी बात, अगर मान लो कि जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस थी अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, मान लो उतने बीच में क्या हुआ, इसको जिस जो जुरिडिक्शन आता था इतना बड़ा था, अब यहाँ पर इस कोर्ट का जुरिडिक्शन आता था पूरे में, उतनी बीच में क्या हो गया, जब तक वो एग्जीबिशन का ड्रामा नामा हुआ उतनी देर में वो हो गया, डिस्ट्रिक्ट में दो दो में पार्ट हो गए, दो दो कोर्टें हो गई, यहाँ पर दो दो डिस्ट्रिक्ट बन गई, ठीक, दो दो डिस्ट्रिक्ट बन गई। तो फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में जिस दिन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के टाइम पे जिस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा उसको हम मान लेंगे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, ठीक है। मतलब कोर्ट विच पास द डिक्री हम किसको मान लेंगे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी, फिर से समझो, समझ में तुम्हारे आ गया होगा लेकिन तुमसे पूछ तुम सकते नहीं कि तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं है। देखो फिर समझो क्या हुआ, ये कोर्ट थी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी यहाँ सिचुएटेड थी, दिख रहा है, एक प्रॉपर्टी यहाँ सिचुएटेड थी। अब इस कोर्ट पास जुडिक्शन थी, इसने डिग्री पास कर दी, इसने डिग्री पास कर दी, ठीक। अब एग्जीक्यूशन होने से पहले पहले क्या हुआ, ये दो पार्ट में बट गया, ये डिस्ट्रिक्ट दो पार्ट में बट गया, ठीक। अब यहाँ पर एक और कोर्ट बन गया, अब इनके पास जुरिडिक्शन आ गई है कि नहीं। तो अब ये प्रॉपर्टी किसके जुरिडिक्शन में आती है, इसके पास। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जिस कोर्ट के पास वो आती है ना, जुरिडिक्शन आ रही है, उसी को ही हम वो मानेंगे कोर्ट विच पास द डिग्री, समझे नहीं, कोई दिक्कत, शाबाश। उठाओ देखो भाई, सेक्शन उठाओ, गलत सलत तो नहीं पढ़ा दिया कुछ। कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो ये देखो, इसे एग्जीक्यूशन जो है ये आपका, एक्चुअली मैं क्या है ना, इस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईपीसी के लेक्चर्स, इसलिए पूरा 8-10 घंटे का, 5 घंटे का तो हो ही गया, देखना मजे करना, ठीक है। हाँ 36 से लेके, और अरे शाबाश 74 तक ही है, ठीक है। चलो सबसे पहले 36 क्या था, एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स, यही बोल रहा है कि इसका जो एग्जीक्यूशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका दोनों पे अप्लाई होगा, पढ़ लेना 36। 37 क्या बोलता है, डेफिनेशन ऑफ ए कोर्ट विच पास ए डिग्री, यही कोर्ट विच पास द डिग्री, डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास द डिग्री सेक्शन 37, इसी को मैं समझा रहा था। दो बातें इसमें और हो गई, कौन कौन सी, वेयर द डिग्री टू बी एग्जीक्यूटेड, पढ़ लेना पढ़ लेना, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। 38 क्या बोलता है, कोर्ट बाई विच डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, तो कोर्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन सी हुई, दो बातें, डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड एदर बाय द कोर्ट विच पास इट, कोर्ट विच पास इट, और दूसरा, और बाय द कोर्ट टू विच इट विज सेंड फॉर एग्जीक्यूशन, कोर्ट टू विच डिग्री इज ट्रांसफर्ड सेंड फॉर एग्जीक्यूशन, डिग्री इज सेंड फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक, समझाई बात क्यों। अब क्या है 39, ट्रांसफर ऑफ डिग्री की, ट्रांसफर क्यों होगी, ट्रांसफर क्यों होगी भाई, ट्रांसफर करने क्यों जरूरत आएगी। पहली बात तो एक बार तो हम बता ही चुके कि मान लो उसके पास जिसके अगेंस्ट में पास हुई है उसकी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं एग्जीक्यूशन के लिए, यहाँ पर कैसे एग्जीक्यूट करवाएं, हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन के लिए है ही नहीं तो कैसे करवाएं एग्जीक्यूशन, इसीलिए ट्रांसफर होगी। कौन सा सेक्शन, 39, ट्रांसफर ऑफ डिग्री, चलो पढ़ो, द कोर्ट विच पास ए डिग्री में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर सेंड इट फॉर द एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, ठीक है। अब क्या है, दो, ये दो तरीके से करते हैं, एक तो पहला ऐसे ही पॉइंट लिख लो, क्या सब सेक्शन थोड़े, पहला तो कब ट्रांसफर करते हैं, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिग्री होल्डर,
डिग्री होल्डर एप्लीकेशन दे रहा है, ठीक है। अरे भाई साहब, जिसके फेवर में डिग्री पास हुई है उससे बढ़िया कौन जानता होगा, किसकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है, कैसे होगा। या सुमोटो कोर्ट खुद भी कर सकती है, ठीक, कोर्ट खुद भी कर सकती है ट्रांसफ़र। या तो कोर्ट को खुद पता चल जाए, है एग्जीक्यूशन कराने के लिए भेजा, उन्होंने पता किया वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं उसकी, फिर ये भी जानकारी ली कि कहाँ पे है, वहाँ से एग्जीक्यूशन करवाओ, ठीक। द कोर्ट विच पास ए डिग्री मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर, हाँ डिग्री होल्डर, सेंड इट फॉर द एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट ऑफ कंपटेंट ज्यूरिडिक्शन। कंपटेंट ज्यूरिडिक्शन कौन सी होगी, ये देखो, इफ द पर्सन अगेंस्ट होम ए डिग्री इज पास एक्चुअली एंड वॉलेंट्री डिसाइड और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन विद द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ सच अदर कोर्ट्स, ठीक है। कहाँ पे भेजेगी, किस कोर्ट में, जहाँ पे जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट है जहां पे या तो बिजनेस करता है या रिसाइड और पर्सनली वर्क फॉर गेन। ठीक है, क्या हुआ कि ये थी, इसमें एक एरिया ये है, एक डिस्ट्रिक्ट ये है, एक ये है, ये वाली कोर्ट ने डिग्री पास की, अब लेकिन जिस जिसके जिस पार्टी का अगेंस्ट पास की वो रहता है यहाँ पर है, ठीक। ऐसा थोड़े है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन या सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर सिचुएटेड है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ हुआ है तो इसी कोर्ट के पास है, तुम रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट के हो, ये होना जरूरी थोड़े है। ये तो आपने भाई साहब पढ़ाया था कि नहीं, प्लेस ऑफ सुइंग में कहाँ केस फाइल हो सकता है, ठीक है, उसमें कहीं पर ये बात बोली थी कि तुम्हारा रहना वहाँ पर जरूरी है, नहीं, कॉज ऑफ एक्शन वहाँ अरोज हो या सब्जेक्ट मैटर वहाँ पे हो, आदमी से हमें मतलब नहीं तुम कहाँ के हो, तो ये दूसरी जगह था। लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे अब दिक्कत आएगी, एग्जीक्यूशन दिक्कत क्या, प्रोविजन दिया हुआ है जिसकी तुम ज्यूरिडिक्शन में आते हो उस कोर्ट को भेज देंगे एग्जीक्यूशन के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर उसकी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नो प्रॉपर्टी, जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, नहीं सॉरी, जो जिसने डिग्री पास की है उसके एरिया में आपके एग्जीक्यूटिंग कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो जहाँ पे प्रॉपर्टी है उसके ज्यूरिडिक्शन में हम भेजेंगे। पढ़ो, इफ सच पर्सन हैज नो प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास द डिग्री सफिशियंट टू सेटिस्फाई सच डिग्री एंड हैज प्रॉपर्टी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सच अदर कोर्ट, तो जिसके ज्यूरिडिक्शन में होगा उसको हम भेज देंगे। तीसरा, इफ द डिग्री डायरेक्ट द सेल और डिलीवरी ऑफ इम्बोल प्रॉपर्टी आउट सिचुएटेड आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास डेट, ठीक। क्या है तीसरा, कि भैया उस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट या सेल की बात की जो दूसरे की ज्यूरिडिक्शन में आती है, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के लिए भी वहीं पर डायरेक्ट भेज देंगे। तीस चौथा, इफ द कोर्ट विच पास द डिग्री कंसीडर फॉर एनी अदर रीजन, कोई भी सफिशियंट रीजन कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि हम जो है मेरे पास ज्यूरिडिक्शन नहीं लेकिन दूसरे कोर्ट के पास है एग्जीक्यूशन के लिए, तो हम उसको भेज रहे हैं, कोई भी सफिशियंट रीजन हो सकता है कि नहीं। द कोर्ट विच पास ए डिग्री मेक्स ओन मोशन सेंड इट टू द एग्जीक्यूशन टू एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ कंपटेंट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। क्या है, सुमोटो भी कर सकता है, सुमोटो का मतलब क्या होता है, खुद ही, किसको कर सकता है, अगर कोई लोअर कोर्ट है तो उसको, है कि नहीं, लोअर कोर्ट को हम भेजे दे रहे हैं, अब तुम एग्जीक्यूट करवा देना, हमने डिग्री पास कर दी, लोअर कोर्ट को भेज दिया, अब तुम करवा देना जिसके पास ज्यूरिडिक्शन हो, है कि नहीं। तीसरा, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस दिस सेक्शन ए कोर्ट शैल डीम ए कोर्ट टू ए कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिग्री इट कुड बी ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई, है क्या बोलता है कि कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन होनी चाहिए, तीसरा पार्ट में जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसके पास कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए, कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन जब ट्रांसफर हो रही है तब, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अब इसमें एक और पावर भी इन्हें दी हुई होती है, समझे कि नहीं, अगला सेक्शन आएगा, चलो अगले सेक्शन में बताएंगे। कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन मतलब कि जब उसे ट्रांसफर की जा रही है उसके पास उस समय कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब हमने जब ट्रांसफर की, इनके पास कंपिटेंट ज्यूरिडिक्शन है, इन्हीं के ज्यूरिडिक्शन में प्रॉपर्टी आती है कि नहीं। चौथा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द कोर्ट विच पास ए डिग्री टू एग्जीक्यूट सच डिग्री अगेंस्ट एनी पर्सन और प्रॉपर्टी आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिडिक्शन। अब इसीलिए कह रहे हैं कि भैया तुम जिसके पास ज्यूरिडिक्शन हो उसी को भेज देना, क्योंकि कहीं पे भी आपके पास टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन वाले को हम नहीं छेड़ सकते, समझे कि नहीं, कि
प्लेस ऑफ स्विंग वाली बात जो है उसको ध्यान में रखते हुए केस फाइल होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूशन भी होगा, समझे कि नहीं। अगर आपके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो इसमें साफ चौथा क्लाउज साफ साफ ये बात बोल रहा है कि आपको कोई ऑथराइज भी नहीं, कोई मतलब इसमें कोई भी पावर आपको नहीं दे रहा है कि आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जो दूसरे ज्यूरिडिक्शन में हो, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन के लिए उन्हीं के पास भेज देना। चलो अभी देखते हैं कितना टाइम हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ ही जाएगा समझ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।